वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, क्या चल रहा है? आज का व्लॉग थोड़ा मैं लेट स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि सुबह अभी मैंने पता इनफैक्ट थोड़ी देर पहले ही व्लॉग नंबर 4 जो मेरा था वो मैंने अभी एडिट कंप्लीट करके उसको अपलोड करा और मैंने कल सुबह के लिए स्केड्यूल किया है। तो आज मैंने इसलिए मैं जिम भी नहीं गया और फिर आज मैंने क्या किया, सुबह से घर के काम करे क्योंकि ना कुछ चीज़ें हुई जिसकी वजह से हमारे पास अभी घर में मेड नहीं है। तो थोड़ा मैं मम्मी और कमल जो हमारा हेल्पर है उसकी हेल्प कर रहा था घर में, तो थोड़ा झाड़ू पोछा में मैंने हेल्प कर दी और अर्पण शधाने गया है और अब मुझे लग रही है बड़ी तेज भूख। तो आज कमल ने कुछ अच्छा खाना बनाया, वो सब खाना जो शायद मैं अमेरिका में नॉर्मल डेज में नहीं बनाता। तो देखते हैं आज खाने में क्या बनाए, कुछ तो डिफरेंट बनाए। आई थिंक क्या क्या बनाए कमल आज खाने में? ये रहा हमारा कमला, कमलापति, हमारा कमलापति रोटी बनाएगा कमलापति। ये बनी है मस्त मस्त रोटियां, क्या मस्त आटे की रोटियां बना रहा है कमल। वाह वाह मेरे शेर वाह। और ये दाल है? नहीं, है नहीं। ये अच्छा असली माल तो यहाँ है। ये है शायद भरता, बैंगन का भरता। और इधर बना है गाजर मटर की सब्जी और आई थिंक ये बनी है माँ छोला की दाल। और इसका कुकर मुझसे बिल्कुल नहीं खुल रहा, पता नहीं कौन सा कुकर इस्तेमाल। अरे भैया खोलियो। और ये देखो, ये है बथुए का रायता और ये है सैलेड। अरे यार ये कुकर तो खोल कमल, इतना स्वादिष्ट भोजन बनाए। अब मैं इसको ग्रहण करता हूँ। कुछ ज़्यादा ही हिंदी हो गई लेकिन अच्छी बात है, हिंदी हमारी वन ऑफ द मेनी मातृभाषा है। मैं तो घर में हिंदी बोलता हूँ, हमारी कंट्री का आपको पता कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं जो हमारी नेशनल लैंग्वेजेस हैं, तो क्यों ना बोला जाए हिंदी में, हमारी एक मातृभाषा में जो मेरी है एटलीस्ट। तो अब मैं ये सारा खाना खाता हूँ और आप लोगों से मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। आज तो कुछ करने को है नहीं, अभी वही मैं पढ़ाई कर रहा था फिर ऑफिस था, लेकिन आज तो घर पे कुछ नहीं ना कमल। चलो लेकिन कोई बात नहीं, मेरी प्लेट तैयार हो चुकी है जिसमें आप देख सकते हैं इधर है रोटी, इधर है भरता, इधर है गाजर मटर, इधर है खीरा, टमाटर, प्याज और लच्छा, दाल, दही, मूली का लच्छा। और ये मम्मी आ गई, हेलो तो बोल जाओ कैमरे पे। हेलो, हेलो। तो इतना लैविश खाना जो बथुए का रायता बन रहा है, दाल बन रही है, दो सब्जियां बन रही हैं, सैलेड बन रही है, स्पेशल रोटियां बन रही हैं, इतना तो मैं अमेरिका में नहीं बनाता। मैं तो अमेरिका में एक दाल बनाता हूँ जो मैं शायद मैं 3 से 4 दिन खाता हूँ, बस रोटी फ्रेश बनाता हूँ, सब्जियाँ तो मैं ज़्यादा बनाता नहीं हूँ क्योंकि भाई खुद ही बनाना है, खुद ही बर्तन रखने हैं, खुद ही घर संभालना है, कितना हो जाएगा। तो यही तो वेकेशन का मजा है। चलो अब इसको खाते हैं। अच्छी बात, आजकल क्या हो रही है, मैं घर वालों के साथ बैठ के खा रहा हूँ। अमेरिका में अपने अपार्टमेंट में अकेला बैठ के खाता हूँ, अकेला ब्रेकफास्ट करता हूँ, अकेला लंच करता हूँ, अकेला डिनर करता हूँ। अब तो मैं भूल भी गया कि किसी और के साथ खाने की बात कैसे होती, क्योंकि कभी कभी बहुत रेयर होता है कि फ्रेंड्स के साथ मैं खाता हूँ, हफ्ते में एक बार, लेकिन 6 दिन 18 मील्स अकेले बैठ के खाता हूँ। तो यहाँ फैमिली के साथ एक ही टेबल पर भी मैं, अर्पण, मम्मी, अर्पण तो भाग्य को पता है उसको वीडियो में आने का कोई शौक नहीं है, बड़ी मुश्किल उसको लाना पड़ता है। तो मैं, मम्मी, अर्पण अभी साथ में बैठ के खाते, पता नहीं 2 साल के बाद हम साथ में बैठ के खाना खाते, इतना अच्छा लग रहा था ना। यही सारी बातें हैं जो मुझे वहाँ जाके बहुत याद आती है, पता है शायद इसीलिए मैं ऐसी ब्लॉग्स बनाता हूँ। मैंने सुना अर्पण खास रहा है, कहाँ है अर्पण? हेलो बोल दे मैं प्लीज, हेलो बोल दे एक बार, हेलो बोल दे। इसे क्या पढ़ रहा है तू, तंग मत कर यार। क्या पढ़ रहा है तू बता दे, क्या पढ़ रहा है? तूने मेरी आखिरी वीडियो देखी थी? देख ले, तू ही मेरी वीडियो नहीं देखा तो बाहर वाले मेरी वीडियो क्या देखेंगे? घटिया आदमी है तू। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज की सुबह सुबह छत से शुरू होती है, आज ना किचन से ना मेरे घर से, आज हम व्लॉग शुरू कर रहे हैं छत से। दिल्ली की इतनी मीठी मीठी ठंडी हवा,
और मेरा मन करा कि आज सुबह मैं जल्दी उठ ही गया हूँ तो थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं अपनी, और पढ़ाई करना वो भी इतनी मीठी मीठी ठंड धूप जिसमें ना तुम्हें स्वेटर चाहिए ना तुम्हें जैकेट चाहिए, और इतनी सुंदर अगर तुम्हारी छत हो तो ऊपर आके पढ़ाई करना, ऊपर आके आपसे बात करना, ऊपर आके बस टहलना, ये सारे जो ज़िंदगी के आराम है ना ये मुझे वापस जाके अमेरिका में नहीं मिलेंगे। तो मैंने सोचा जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक इन सब चीज़ों का मज़ा उठाया जाए और आपको भी ऐसा मज़ा दिलाया जाए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग ना। बैठे हैं अपना योगा करते हुए छत पे, ये भी खूब धूप का मज़ा उठाए जा रहे हैं। और मामा क्या हाल है? ऑल गुड। क्या चल रहा है? योगा चल रहा है इनका। और ये सामने बैठी है हमारी मम्मी। अगर इनको इनको पता लग जाए कि छत पे कोई बैठा है तो ये भागती हुई आती है। घर की सबसे छोटी है ना, मेरे दो मौसी हैं और आज मैं आपको एक मौसी से मिलवाऊंगा। मौसी हैं और एक मामा और ये मेरी मम्मी, तो आज मैं आपको एक मौसी से मिलवाऊंगा। तो बात क्या है, जो मेरी मम्मी है ना वो घर की सबसे छोटी है इन चारों भाई बहनों में, तो सबसे ज़्यादा मजाकिया जिंदगी का सबसे ज़्यादा लुफ्त इन्हें उठाने का मन करता है। ये जो औरत पीछे बैठी है मेरी माँ, ये हाँ ये वाली, ये इन्हें तो सबसे ज़्यादा उठाने का मन करता है लुफ्त। तो इनको पता लगा मामा बैठे हैं छत पे, मैं कर रहा हूँ छत पे व्लॉगिंग और अपनी पढ़ाई, भागती भागे पीछे पीछे। तो आज थोड़ी देर बाद जब मैं मौसी के जाऊँगा तो मैं आपको अपनी मौसी से मिलाऊंगा। बड़ी अच्छी है मेरी मौसी, और एक मौसी मेरी जो US में है, तो जब मैं वापस जाऊँगा तब मैं आपको अपनी US वाली मौसी मौसाजी से मिलाऊंगा। वो भी बहुत अच्छे लोग हैं, चारों भाई बहन के अंदर बहुत अच्छा प्यार है जो ये हमारे घर के लिए बहुत अच्छी बात है। एक जो सिद्धार्थ ने बनाया था, सिद्धार्थ से मिले भी थे लास्ट एक दो ब्लॉग्स पहले, आज इस गज़ीबो में बैठ के अर्जुन अपनी पढ़ाई करेगा। ये रहा मेरा लैपटॉप, मेरा फ़ोन जो मेरे हाथ में है आईफोन 13 प्रो, और ये मेरा रेडमी का टेम्प्रेरी फ़ोन। और देखो बर्ड्स की पॉटी पड़ी हुई है, लेकिन हमारे घर वाले कहते हैं कोई बात नहीं, बर्ड्स की पॉटी तो है, करो पढ़ाई इसमें। गाइस हमारे घर वालों की बातें सुनोगे, अभी क्या हुआ, ये लैपटॉप यहाँ रखा था, यहाँ पड़ी थी बर्ड की पॉटी, ठीक है, बर्ड शिट, बर्ड पू, किसी को ऑफेंस लग जाए इस बात से। मैंने गलती से लैपटॉप उसके पास रख दिया और मैंने बोल दिया ओ शिट, ये मैंने बर्ड पूप के पास लैपटॉप रख दिया। तो पता तुम्हें पता तुम्हारी मेरी माँ ने मुझे क्या बोला, बोलना कैमरे पे है हिम्मत तो बात बोलने की? अरे बर्ड की पोटी है, उसमें क्यों जिम करने? बर्ड भगवान का रूप होता है, ये भी आपने बोला मुझे, पूप तो पूप होती है यार, इतनी छोटी सी करते हैं तो छोटी करें, कम करें, ज्यादा कर, उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा लैपटॉप गंदा होगा, कौन साफ करेगा मेरा लैपटॉप बताओ? हाथ से कर लो ना, ऐसे कर लो क्या? ऐसी कौन बेतु की बातें करता है यार, मेरा लैपटॉप गंदा हो गया बताओ? बर्ड पूप पर आप कह रही है पूप, बर्ड पूप ही तो थोड़ी सी तो है, ये कोई बात होती है? आप ही ने तो बोला ये बात। ये वीडियो एडिट ही कर रहा था और मैंने सोचा ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो मौसी मौसा जी से आपको अगली वीडियो में मिलवाएंगे। मैं उनसे कल मिलके तो आया था, शूट भी कर लिया था, बहुत मज़ा आया था, वो भी एक्साइटेड है अपनी वीडियो देखने के लिए। लेकिन मेरे को लगा इस वीडियो को यहीं रोक देना चाहिए, और क्योंकि अगर वीडियो बहुत लंबी जाती है ना तो लोगों का जो है फोकस और स्पैन वो एक कॉन्सेंट्रेशन पर एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। अगर आप कॉन्टेंट डाले जाओ एक वीडियो में, सपोज़ मैं इसको 20 मिनट की वीडियो बना दूँ, लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि मैं खुद अगर कोई वीडियो बहुत लंबी होती है नहीं देखना प्रेफर करता, तो जब मैं ही प्रेफर नहीं करता तो मैं किसी और से क्यों एक्सपेक्ट करूं कि आप लोग देखोगे 15-20 मिनट की वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे बहुत अमेजिंग कंटेंट मैंने ऑलरेडी शूट कर रखा है, ऑलरेडी प्लान कर रहा हूं मैं बहुत सारा कंटेंट, तो मज़ा तो आने ही वाला है वीडियोज़ में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने गलती से मेरी वीडियोज़ देख ली और आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ शेयर कर देना। और चैनल पे सभी अभी तो नए हैं, हमें अपना चैनल बढ़ाना है, हमें नए नए लोगों को अपनी फैमिली में इंक्लूड करना है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच, टेक केयर।